हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल पाव। से मैंने एक यूनिक रेसिपी बनाई है, आई होप आपको पसंद आए। पाव भाजी बनाई थी और पाव बच गए थे। लगभग आई थिंक सभी के घरों में ऐसा होता है कि पाव बच जाते हैं। अब इन पाव का कैसे इस्तेमाल करें और इससे एक नई डिश बनाए, चलिए बनाते हैं। मेरे चार पाव बच गए थे, इन चार पाव का मैं इस्तेमाल करूँगी। तो चार पाव को मैं नाइफ की सहायता से काट लूँगी। छोटे छोटे हम बाइट्स में इसको कट करेंगे, धीरे धीरे कट करेंगे, वरना पाव ऐसे ही बिखरने लग जाते हैं। सो हमें धीरे धीरे आराम से इसको कट करना है। पाव को मैंने कट कर लिया है, अब टुकड़ों को ऐसे अलग अलग करेंगे। तो पाव को हमें इस तरह से बाइट्स में कन्वर्ट कर देना है। और वेजिटेबल को मैंने पहले से चॉप कर लिया था। एक शिमला मिर्च, एक टमाटर, एक चीज़ क्यूब, 2 से 3 चम्मच जितना टमाटर सॉस, 2 प्याज और 2 हरी मिर्ची, इन सबको मैंने बारीक चॉप कर लिया है। और आप अपने मनपसंद की और भी वेजिटेबल ऐड कर सकते हो। गैस पे कढ़ाई रख दूंगी, 2 चम्मच लिया रिफाइंड ऑयल। ऑयल गर्म होने के बाद हरी मिर्ची और प्याज डालूंगी, और बहुत ही कम मात्रा में मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है। मैंने रेडीमेड पेस्ट ये डाला है, आप चाहे तो घर पे भी अदरक लहसुन का पेस्ट बनाकर डाल सकते हो। 1 मिनट के लिए मैं इनको भून लूँगी। ज़्यादा प्याज को नहीं भूनना है, सिर्फ लाइट ही भूनना है। देखिए हल्का सा हमने प्याज को भून लिया है। तो अभी ऐड करूँगी शिमला मिर्च। शिमला मिर्च को मैं डाल दूँगी और मिक्स करते हुए हल्का सा भून लूँगी। ज़्यादा वेजिटेबल को हम नहीं गलाएंगे, सिर्फ हल्का सा भूनेंगे। अभी इसमें ऐड करूँगी 1 चम्मच चिली फ्लेक्स। आप चिली फ्लेक्स कम ज़्यादा कर सकते हो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, आप कितना तीखा खाते हैं। 1/2 टेबल स्पून डालूँगी ओरिगैनो और अच्छे से कर दूंगी मिक्स। मिक्स अच्छे से हमने कर लिया है। अब लास्ट स्टेज पे हम डालेंगे टमाटर। टमाटर को पहले नहीं डालेंगे, लास्ट में ही डालेंगे, क्योंकि हमें ज़्यादा गलाने नहीं हैं। तो देखिए इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लिया है मैंने। तो अभी डालूंगी मैं टमाटर केचप, 2 से 3 टेबल स्पून जितना है वो सारा डाल दूंगी, और अच्छे से मिक्स करते हुए हम चलाएंगे लो फ्लेम पे। और अभी ऐड करूंगी चीज़। आप चाहे तो इसमें मोजेला चीज़ भी ऐड कर सकते हो। मैंने प्रोसेस इसका इस्तेमाल किया है। अब पूरे 1 क्यूब को मैं अच्छे से ग्रेट कर दूंगी। चीज़ को हमने अच्छे से ग्रेट कर दिया है। और अभी ऐड करूंगी स्वाद अनुसार नमक। तो मैंने थोड़ा सा नमक डाला है स्वाद अनुसार, और मीडियम फ्लेम पे इसको हम अच्छे से भूनेंगे। चीज़ को अच्छे से मेल्ट करेंगे, फ्लेम को मीडियम रखेंगे और चलाते हुए हम इसको मेल्ट करेंगे चीज़ को। देखिए लगभग चीज़ मेल्ट होने लग गया है। अब इस स्टेज पे ऐड करेंगे पाव क्यूब जो हमने पहले से काट के रखे थे, और अच्छे से करेंगे मिक्स। फ्लेम को लो कर देंगे और अच्छे से मसाले की कोटिंग करेंगे पाव के ऊपर। 2 से 3 मिनट तक अच्छे से मिक्स करते हुए चलाएंगे तो मसाले की कोटिंग हो जाएगी पाव के ऊपर। तो देखिए 2 से 3 मिनट बाद मसाले की कोटिंग पाव के ऊपर अच्छे से हो गई है। अब हम एक प्लेट में निकाल लेंगे।
तो देखिए हमारे मसाला पाव बनकर तैयार है एंड इसको गर्मा गर्म ही खाना है तभी ये टेस्टी लगेगा। और अगर आप चाहते हो ऊपर से और चीज़ डालना तो आप और चीज़ ग्रेट कर सकते हो। एंड आशा करती हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई हो तो एक बार ज़रूर बना के ट्राई करिएगा और ख़ुद भी खाइएगा, सबको खिलाइएगा। और मिलती है एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय।